सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी और इस सभा में उपस्थित सारे जितने भी हमारे लोग आए हैं, ये जन सैलाब आया है, उन सबका भी धन्यवाद और स्वागत। और हमारे जो माननीय योगी जी आने वाले हैं वो हमारे गढ़वाल के मूल से हैं और मैं भी गढ़वाल क्षेत्र से हूँ और मैं यहाँ दुर्गा कॉलोनी में शक्ति केंद्र संयोजक हूँ। मेरे पास 5 बूथ हैं और मैं योगी जी के लिए अपने तरफ से सेवा सौली जिसे हम गढ़वाली भाषा में नमस्ते दुआ बोलते हैं वो लिखा है। तो इस प्रकार है, उत्तराखंड वासियों को भेजी पहला गु प्रणाम, उत्तराखंड वासियों को भेजी पहला गु प्रणाम, माँ बहनों को आशीष भेजी, माँ बहनों को आशीष भेजी तुम चिरंजीवी रहने, माँ बहनों को आशीष भेजी तुम चिरंजीवी रहने। अरे राज शक्ति योगी शक्ति, राज शक्ति योगी शक्ति भेजी तुम्हें मो, राज शक्ति योगी शक्ति भेजी तुम्हें मो। अरे उत्तराखंड वासियों ते भेजी, उत्तराखंड वासियों ते भेजी बेतरणी करोणे, उत्तराखंड वासियों ते भेजी बेतरणी करोणे। आस से देख दी दुनिया भेजी, आस से देख दी दुनिया भेजी तुम थे, आस से देख दी दुनिया भेजी तुम्हें थे, देश दुनिया मां सब ते भेजी तुमने पारे लगोने। अरे देश दुनिया मां भेजी सब ते तुमने पारे लगोने, उत्तराखंड वासियों को भेजी याची पुकारे, उत्तराखंड वासियों की भेजी याची पुकारे, पहला गु परिणाम भेजी करा स्वीकारे। अरे पहला गु परिणाम भेजी करा स्वीकारे, ऊ दिन भी याद भेजी, ऊ दिन भी याद भेजी संसदे मारवे ने, ऊ दिन भी याद भेजी संसदे मारवे ने। अरे राज सत्ता जीती भेजी, अरे राज सत्ता जीती भेजी प्रसिद्ध वेना, अरे राज सत्ता जीती भेजी प्रसिद्ध वेना। उत्तराखंड वासियों को भेजी याचे पुकारे, उत्तराखंड वासियों को भेजी याचे पुकारे, अरे पहला गु परिणाम भेजी करा स्वीकारे, अरे पहला गु परिणाम भेजी कर। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम? ये एक भव्य दिव्य प्रोग्राम हो रहा है, ये आई हुई भीड़ या किसी को पैसे देके, किसी को कुछ लोभ लालच देकर नहीं बुलाई गई है, यानी किराए के लोग नहीं, नहीं नहीं, ये देश को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित वाली जनता है जो भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर बनाया है, उसको देखकर लोगों को कहने का मन नहीं पड़ रहा है वोट कहाँ देना है। इस बार जो मोदी जी ने नारा लगाया है 400 पार, तो 400 पार ही ये पूरा राष्ट्र, पूरा देश इसको करके रहेगा। पक्की बात है, ये जो भीड़ है ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सारे वोट हैं, हर घर का 1-2 मेंबर्स है और ये 10-10 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। पक्का यकीन है आपको ऐसा होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि एक निर्दलीय कैंडिडेट हरिद्वार लोकसभा में अच्छे खासे लोगों को अपने साथ जोड़ चुका है। नहीं वो लगता नहीं, मुझे लगता है उसकी फाइट चौथी रहेगी, वो चौथे नंबर पे। हाँ जी, दूसरे नंबर पे किसे मानते हो? दूसरे पे हम अपने, हम बसपा का प्रत्याशी या हद से हद ये कांग्रेस का प्रत्याशी हो सकता है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी हारते रहे। पहले हरीश रावत हार के गया है, फिर उनका बेटा अब हारने की तगार पे है, उससे पहले उनकी वो पहले विधानसभा चुनाव में हार के गए थे। यानी आपको लगता है कि ये जो भीड़ है वोट में कन्वर्ट भी होगी भारी वोटों से? ये और जय श्री राम और भाजपा 400 पार। हाँ योगी जी आ रहे हैं, बोरे शहर में हर्ष का विषय है। इस बार जो हमारी हरिद्वार सीट है ना जी, ये 400,000 पार से जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो पूरे देश के लिए विकास किया है, एक समान विकास किया है, कोई कई भेदभाव किसी धर्म जाति से नहीं किया है, इसलिए इस बार 400 पार का जो नारा है वो साकार होगा। हाँ पक्की बात है, साकार बिल्कुल पार होगा जी। लोग कहते हैं कि जो भीड़ बुलाई जाती है किराए के लोग होते हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं, सब स्वेच्छा से अपने मनोभाव से आए हैं, आप भीड़ से भी पूछ सकते हैं, ये औरों के लिए, ये हमारी पार्टी इस मामले में अपवाद है। ये मैं स्वतंत्रता सेनानी सुखबीर सिंह सैनी की लड़की,
स्वतंत्रता सेनानी सुखबीर सिंह की लड़की हूँ। इस देश में जो है किसी भी जगह जावे आदमी, किसी भी बड़ी पदवी पे जावे, कहीं भी किसी से मिलने जावे, इतना वो है कि कोई भी किसी से मिलने का स्वीकार नहीं करता और दूसरों को वो करता रहता है कि ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा। और जो खाना दे रहे हैं, पीना दे रहा, गरीबों को सहारा दे रहे हैं, ये सिर्फ एक मोदी है जो देश का सोच रहा है, जिसके बाल नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं है। बस अगर इस देश के लिए सोच रहा है योगी मोदी, सोच रहे हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सोच रही है इस देश के लिए जो सोचता है। रोटी तो सभी खा रहे हैं, कोई भूखा इस भारत के अंदर कोई भूखा नहीं मरता। अगर कोई भूखा है तो योगी मोदी ने सहारा दिया है। तो इसलिए इस भारत को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए योगी मोदी खड़े हुए हैं और सबको ही योगी मोदी का साथ देना चाहिए। ये भारत को बचाने के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह भारतवासी, ये स्वतंत्रता सेनानी भय, ये जो जनता पार्टी के आदमी है, सब एक स्वतंत्रता सेनानी बन करके इस देश की रक्षा करेंगे, तभी यह भारत बढ़ेगा। नहीं तो बम का गोला हमारे भारत के ऊपर भी पड़ सकता है। चीन वाले तैयार हैं, यूक्रेन वाले तैयार हैं, हर एक देश तैयार है। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, भारत माता की, सनातन धर्म की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा लगा आपसे बात। भारत के क्रांतिकारियों की, भारत के क्रांतिकारियों की, देश की। योगी जी के रुड़की में आ जाने से रुड़की की धरती पवित्र हो गई। एक बहुत बड़े संत हैं और राष्ट्र को उनकी बहुत आशाएं हैं। आज उनके आने से त्रिवेंद्र सिंह जी जो हैं वो लाखों वोटों से जीतेंगे और मुझे लगता है कि ये एक रिकॉर्ड होगा कि रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी और जितने भी लोग हैं उनकी ये जो मेहनत है, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा वोटों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जीते। मैं रोटरी का असिस्टेंट गवर्नर सुभाष सरीन आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं रुड़की नगर पालिका परिषद का पूर्व चेयरमैन हूँ दिनेश कौशिक। मैं आज बहुत पूरी रुड़की खुश है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज इतनी बड़ी खुशी है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये भारी जनसभा होने जा रही है। आज एक तरफा चुनाव हो जाएगा, कहीं पर भी कांग्रेस बसपा सपा कोई नहीं टिक पा रही है। अकेले त्रिवेंद्र रावत यहाँ से हजारों हजार मतों से, 5 लाख वोटों से यहाँ से त्रिवेंद्र रावत लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीट जीतकर देश के अंदर मोदी जी का जो नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा सिद्ध होकर रहेगा। तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं तमाम जनता से निवेदन करना चाहूँगा 19 अप्रैल को पहले मतदान फिर जलपान करें, पहले मत डाल के आएँ, उसके बाद घर पे जाके अपना जलपान करें, तभी आप जो है अपना मिशन पूरा कर सकते हैं और मोदी जी के हाथ मजबूत कर सकते हैं। प्रोग्राम का और मतलब क्या प्रोग्राम है, किस तरह का आप लोग यहाँ पर आए हैं? आज विजय संकल्प रैली है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए और योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। तो जो आज पूरे देश में कार्य हो रहा है उसके बदौलत हरिद्वार लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और योगी आदित्यनाथ जी के आने से और इस पे 4 चांद लग गए हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के इतना क्रेज युवाओं में, महिलाओं में है कि अब 19 तारीख को सिर्फ कमल का बटन दबाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। ये सीट त्रिवेंद्र रावत जी जीत चुके हैं। आप लोग साथ में हैं फिर तो पक्का जीत। हाँ, सब हम साथ में हैं।
आप सभी को नमस्कार। जिस तरीके से आज देख रहे हैं कि विजय संकल्प रैली यहाँ पर रुड़की में जो है योगी आदित्यनाथ माननीय जी आ रहे हैं और जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है और भव्य स्वागत खचाखच पूरा का पूरा ये पंडाल सजा हुआ है और सभी यहाँ पर आतुर होकर के देख रहे हैं। जिस तरीके से राम जी का इंतजार था इसी तरीके से योगी जी का इंतजार यहाँ पर है और रुड़की की पावन धरती आज और पवित्र हो गई है। यहाँ पर योगी जी आ रहे हैं, जिस तरीके से सभी के मन में भाव है और सभी जो है अपने अपना जो है अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं योगी जी से मिल करके और इस पावन धरा पर उनका आज स्वागत करके सभी जो है अपने आप में मंगल गीत गा रहे हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि रुड़की में योगी जी आ रहे हैं और सभी हम सभी को उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय श्री राम, जय माता दी, भारत माता की जय। आज हम योगी जी के स्वागत के लिए सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं और हमारे अंदर बहुत जोश और उत्साह है। हम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जय का जय होने के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं उन्हें विजयी बनाने के लिए और आज हम सभी बहुत उत्साहित हैं और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं बीजेपी के साथ हैं। भारत माता की जय। मैं सुमन रौतेला महिला मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष बोल रही हूँ और आज हम सभी बहनें यहाँ पे योगी जी को सुनने आए हैं और हमारे यहाँ पे जो महिला मोर्चा है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है योगी जी को सुनने के लिए, हमारे भगवाधारी जी को सुनने के लिए।